मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ है कि आपकी बेटी देविका इस दुनिया में नहीं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, वो जहां से भी आपको देख रही होगी ना, उसके दिल को बहुत तसल्ली पहुंचेगी कि उसकी माँ उसकी हमशक्ल दिखने वाली लड़की को अपनी बेटी मानकर उसकी मदद कर रही है। माँ चाची से बात कर रही है, मेरा भी दिल करता है कि मैं उनसे बात करूं, मैं थैंक यू बोलूं, उनकी आवाज सुनूं एक बार, पर कैसे? लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे उनसे बात करनी है, उनकी आवाज सुननी है, क्या करूं? लेकिन बेटा, हेलो, आप बोल क्यों नहीं रही? हेलो रेखा, आंटी मैं अंबिका बोल रही हूँ। नमस्ते, कैसी है आप? माँ ने मुझे बताया आपके बारे में, हमेशा आपके बारे में बात करती रहती। उन्होंने बताया कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, शायद इसीलिए मैं किडनैपर से बचकर आ पाई। वो हमेशा कहती है कि आपका दिल बहुत अच्छा है, आप में बहुत अपनापन और प्यार भरा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू हर चीज के लिए। बेटा, ईश्वर करे आप हमेशा सुरक्षित रहे। माफ करना, दरअसल तुम बिल्कुल मेरे लाडों की तरह दिखती हो, ऐसी बातें भी करती हो, बिल्कुल मेरी देविका की तरह। माफ कर देना, माँ हो ना, कभी कभी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती। दरअसल बात यह है कि अब अपने लाडो अपनी बेटी के दूरी मुझसे और नहीं सह जा रही। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब देखना, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे बाद में बात करूँ, अभी मैं फोन रखती हूँ। बेटा प्लीज, बेटा संभाल लो अपने आप को, मैं देखो ना, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं इतनी बेबस हो गई हूँ कि मैं खुद की चाची को नहीं बता सकती कि मैं जिंदा हूँ, उनकी लाड़ू जिंदा है, उससे बात कर सकती है, नहीं बता सकती। और मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं उनको बहुत दुख दे रही हूँ। नहीं बेटा, प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को, अपने जज्बात पर काबू कर रखो। देखो, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम उनको सच्चाई बताओगे, लेकिन अभी नहीं बेटा, प्लीज प्लीज मेरे बेटा, बस अब मुझे नहीं जाना। चलो शाता, गेट आउट। मेरी बात सुनो पुत्र जी, देखो मान लिया इसने गलती की है, पर उसकी इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो जी? अब देखो ना, वो इस वक्त कहाँ जाएगी अपना सारा ये सामान वामान लेके, ठीक नहीं है ना जी? हाँ, हम ऐसा करते हैं जी, शांति से बैठ के सोचते हैं इस बारे में क्या करना है। अभी तो रवि पुत्र भी नहीं है, उसे तो आ जाने दो। ओ जी, आप इस मामले के बारे में बाद में सोचना, पहले आप ये सोचो कि रवि पुत्र को जेल से कैसे निकालना है। आप क्या मुझे बेवकूफ समझती है मम्मी जी? मैं रवि के आने का वेट करूं ताकि वो यहां आकर मुझे इसे घर से धक्के मार के बाहर निकालने से रोक सके। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये औरत आज अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकलेगी। गेट आउट ऑफ दिस हाउस। देखिए, मैं मानता हूं इसने गलती की, लेकिन ये इतनी भी बुरी नहीं है। प्लीज इसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं बात करूंगा इसे, समझाऊंगा इसे मैं। ये क्या कह रहे हो सब लोग, मुझे क्या समझाओगे? अरे जो मैंने किया ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? मुझे नहीं पता कि अंबिका किसने किडनैप करवाया, कौन करवाना चाहता था। मैं बेकसूर हूँ, मैंने जो गुनाह नहीं किया उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? वेरी गुड,
देखा आपने क्या हिम्मत है इस लड़की की? ये है आपकी बहू, क्या कुछ नहीं किया इसने मेरे साथ, मुझे कितना नुकसान पहुंचाया, रवि तक को जेल पहुंचा दिया, और अब ये कह रही इसने कुछ भी नहीं किया, अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी औरत को मैं अपने घर में नहीं रहने दे सकती, हरगिज नहीं। अगर किसी को मेरे फैसले से एतराज है तो वो भी इसके साथ आज अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल सकता है। जब अंबिका मैम उठ जाए तो उन्हें फ्रूट्स दे देना, ठीक है? ये क्या अंबिका, मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा और तुम यहाँ कहाँ जा रही हो तुम? मैं एक्चुअली, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, मैं जल्दी आ जाऊँ। अरे रुको, इतना भी क्या जरूरी काम है जो तुम्हारी सेहत से भी ज्यादा जरूरी है? देखो डॉक्टर आती होगी, वो तुम्हें आकर चेक कर लेगी ना, अगर वो कहेगी कि तुम जा सकती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। माँ ये काम है जो अधूरा छूट गया, मुझे इसे पूरा करना ही होगा वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। प्लीज मैं सच कह रही हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, अभी मुझे जाने दीजिए। देखो बेटा तुम बहुत मुश्किल दौर से गुजरी हो, इतने घाव कह रहे हैं तुम्हारे, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ प्लीज मैं सच कह रही हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, आप एक बार। एक मिनट, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, कोई जिद मत करो मुझसे, चुपचाप चलो अपने कमरे में, चलकर आराम करो, चलो। माँ प्लीज 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 एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करी हूँ इस वक्त प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ वहाँ से आते हुए मैं खुद जाऊंगी डॉक्टर के पास, अपना ट्रीटमेंट करा कर आऊंगी। आप इस वक्त डॉक्टर को फोन करके मना कर दीजिए कि वो अभी ना आए। माँ प्लीज मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज अभी मत रोकिए। माँ प्लीज बाय। इससे क्या हो गया अचानक, इतनी बहस तो कभी नहीं करती मेरे साथ, आखिर ऐसा क्या चल रहा है इसके मन में जो मेरे रोकने पर भी नहीं रुकी? रुको एक मिनट, तुम रवि से मिलने जा रही हो? हाँ माँ, मैं रवि से मिलने जा रही हूँ, और माँ मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ। रवि वहाँ जेल में बंद है जबकि उसने कोई गलती की ही नहीं है। आप बताइए क्या गलती है उसकी इतनी कि उसने मेरी जान बचाई, अपनी जान को दांव पर लगाकर? माँ रवि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि वो सजा काटे जेल में, इसीलिए मैं जा रही हूँ उसे बाहर निकालने। लेकिन बेटा मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। लेकिन क्यों माँ, आप नहीं जानती कि साकेत से मुझे बचाने वाला रवि था? अगर रवि वहाँ सही वक्त पर ना आया होता तो आज मेरा क्या हाल होता, शायद मैं आपके सामने भी ना खड़ी होती। फिर भी आपको लगता है कि मुझे रवि को बचाने नहीं जाना चाहिए? मैं सब समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम फिर से जज्बात में बहकर सिर्फ एक तरफा सोच रही हो। तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं? माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहती हैं? देखो अंबिका बेटा, मेरी बात शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है कि वो तुमसे प्यार करता है इसलिए उसने तुम्हें बचाया है। बेटा उसने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि उसके परिवार की खुशियां तुम पर निर्भर करती हैं, उसका बिजनेस, उसका घर, ये सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। जानती हो ना, जब पिछली बार उसने तुम्हें बैंक में बचाया था तो उसकी असली वजह तुम्हें उसके मुंह से पता चली थी? ये सब उसकी ट्रिक है बेटा, ताकि तुम्हारा दिल उसके लिए पिघल जाए। नहीं माँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, आप अब भी रवि को गलत समझ रही हैं। मैं जानती हूँ उसने ये सब कुछ पैसे या प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया है, वो सच में वहाँ मेरी जान बचाने ही आया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे लड़ते हुए, उन गुंडों का सामना करते हुए। वो सब नकली नहीं हो सकता, उसकी आंखों में वो गुस्सा नकली नहीं हो सकता, उसको इतनी चोट आई है वो नकली नहीं हो सकती। साकेत उस पर गोली चलाने वाला था लेकिन वो तब भी पीछे नहीं हटा, लड़ता रहा क्योंकि वो सच में चाहता था कि मैं बच जाऊं। आप बताइए अगर सच में साकेत उस पर गोली चला देता तो, अगर रवि को कुछ हो जाता तो? लेकिन रवि ने इन सब चीजों के बारे में सोचा ही नहीं, वो लड़ता रहा। माँ आप बताइए ना, कौन करता है ऐसा? वो प्रॉपर्टी और पैसों के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा, वो अकेला लड़ गया क्योंकि उसको मेरी चिंता थी, मेरी परवाह थी, वो मुझे बचाना चाहता था साकेत से। आप सच में उसे गलत समझ रही हैं, इस बार उसने सब कुछ मेरी जान बचाने के लिए किया। अंबिका बेटा तुम फिर से वही गलती कर रही हो उस पर विश्वास करके। वैसे एक वजह थी जिसके लिए उसने तुम्हें बचाया, जिसके लिए उसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, और वो वजह ये है कि वो तुम्हें देविका साबित करना चाहता है।